गुड मॉर्निंग। देखो अपन देख रहे हैं जंतु जगत, ठीक है। जंतु जगत में अपन ने एक तो देखा नॉन कोर डेटा, ठीक है, अपृष्ठवंशी जंतु। अब देख रहे हैं अपन कोर डेटा। कोर डेटा जंतु वो होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है, नोटोकोड या पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। तो अपन नोटोकोड सॉरी अपन कोर डेटा के बारे में देख रहे हैं। अपन ने कल देखा था साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। अब देखते हैं कोंड्रियोक्टीज, कल थोड़ा सा देखा था, फिर से अपन रिपीट करते हैं। कोंड्रियोक्टीज में मछलियों को आगे मछली जो या मत्स्य जो वर्ग है उसको दो में बांट देना, एक है आपका कोंड्रियोक्टीज, दूसरा है आपका ओस्टियोक्टीज। कोंड्रियोक्टीज ठीक है, कोंड्रियोक्टीज में क्या क्या आएंगे, कोंड्रियोफिज में क्या होता है, किसका बना हुआ कंकाल होता है। सबसे पहले तो इनको उपास्थि मछलियां भी बोला जाता है, क्योंकि इनका कंकाल किसका होता है, आपका उपास्थि का बना होता है। उपास्थि क्या बोलते हैं इनको, मछलियां बोलते हैं। इनका कंकाल बना होता है आपके उपास्थियों का, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आपके उपास्थि मछलियां। इनको क्या कहा जाता है, आपके उपास्थि मछलियां, मतलब इनका कंकाल किसका बना होगा, उपास्थि का। दूसरा लक्षण है शरीर, देखो जितनी भी मछलियां होती है ना सबका शरीर कैसा होता है, धारारेखित, शरीर धारारेखित होगा, धारा रेखित होगा। शरीर कैसा होता है आपका, धारारेखित, मतलब ऐसा होगा जिससे पानी का कट, जैसे पानी में तैरेगी तो कम से कम पानी का क्या लगेगा, दबाव लगेगा, इसलिए मछलियों का शरीर कैसा होता है, धारारेखित। मुख का होगा अधरतल पे होगा, मुख कहाँ उपस्थित होगा, अधरतल पर, मुख अधरतल पर होगा। कैसे, जैसे ये आपकी मछली है तो मुख आपका यहां उपस्थित होगा, देखना आप ऐसा होगा, मुख अधरतल पर उपस्थित होगा, ठीक है। पृष्ठ रज्जु कैसी होगी, चीर स्थायी होगी, मतलब जो नोटोकोड है जीवन भर रहेगी। पृष्ठ रज्जु चीर स्थायी होगी, पृष्ठ रज्जु कैसी होगी आपकी, चीर स्थायी होगी, मतलब हमेशा बनी रहेगी, जब तक जंतु है तब तक क्या बनी रहेगी आपकी, पृष्ठ रज्जु। क्लोम छिद्र अलग अलग होंगे, क्लोम छिद्र कैसे होंगे आपके, अलग अलग होंगे, क्लोम छिद्र अलग अलग होंगे, पहले जोड़े में थे छिद्र, अलग अलग होंगे जो श्वसन में सहायक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करेंगे, जो क्लोम छिद्र होंगे वो किससे ढके रहेंगे आपके, ओपरकुलम, मतलब एक ढक्कन जैसी संरचना होगी जिससे क्या होंगे आपके क्लोम छिद्र ढके रहेंगे, जिसको बोलते हैं ओपरकुलम। इसके अलावा इनकी त्वचा पे क्या पाए जाएंगे, सल्क पाए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं, मतलब आप लोगों ने सुने होंगे मछली में कांटे पाए जाते हैं, तो इनपे क्या होंगे, छोटे छोटे ऐसे ऐसे सल्क होंगे, ऐसे ऐसे संरचना पाई जाएगी जिनको क्या बोलेंगे अपन, सल्क। तो इनमें सल्क पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें जो दांत होंगे, जैसे भी दांत होंगे वो पीछे की ओर मुड़े होंगे, तो लिख सकते हैं दंत, मतलब ऐसे आगे की तरफ ना होंगे, क्या होंगे, ऐसे पीछे की तरफ, दंत पीछे की तरफ मुड़े होंगे, पीछे की तरफ मुड़े होंगे, जैसे ये दांत ऐसा पहुंच, तो ये ऐसे ना होंगे, क्या होंगे, ऐसे पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे, आगे से पहले नहीं होंगे ना। ठीक है, जबड़े के होंगे शक्तिशाली होंगे, क्योंकि ये दूसरे जंतु को खाएंगे, कैसे हैं आपके परपोषी, तो जबड़े क्या होंगे आपके, शक्ति
आपका जीव इसके पास आए उसको आसानी से क्या कर ले, आपके पकड़ ले, जबड़े शक्तिशाली होंगे। जैसे कोई सपोज किसी जीव को खा रहे तो जबड़ों से उसको टाइट पकड़ लेंगे, जिससे क्या होगा वो इसको शिकार में आसानी होगी। ठीक है, अब देखो इनमें एक अच्छा है, ये नोटिस करने वाला पॉइंट है, वायुकोष अनुपस्थित होंगे, वायुकोष अनुपस्थित होंगे। अब वायुकोष जिस पिंड में नहीं होते उससे क्या होगा, अगर वायुकोष अनुपस्थित है तो वो डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये मछलियां क्या करती है, इनमें वायुकोष अनुपस्थित होते हैं ये डूब सकती है, इसलिए ये लगातार तैरती रहती है, लगातार तैरती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगी ये डूबेगी नहीं। अगर वायुकोष उपस्थित होते हैं तो इनको इतना ज्यादा तैरने की जरूरत नहीं होती। तो ये फायदा है, फायदा भी है नुकसान भी है, इनमें वायुकोष उपस्थित नहीं है इसलिए इनको लगातार क्या करना पड़ता है, तैरना पड़ता है, इस कारण ये लगातार तैरती है। फायदा क्या है इसका? फायदा तो कुछ नहीं है, शरीर हल्का हल्का भी नहीं होता, हल्का हो जाता है इनका, इस कारण लगातार तैरती रहती है, मतलब सो एक क्या करेगी हमेशा जागृत रहेगी। अब देखो जो मछलियां होती है उनका हृदय कैसा होता है, डी कोष्ठी। जैसे अपना हृदय है उसमें चार चैम्बर होते हैं, चार कोष्ठ होते हैं, दो आलिंद और दो निलिंद, तो इनका हृदय कैसा होगा, डी कोष्ठी। मतलब डी कोष्ठी का मतलब क्या होगा, एक आलिंद होगा और एक ही क्या होगा आपका निलिंद, एक आलिंद और एक ही क्या होगा आपका निलिंद, एक और एक कितने हो गए आपके दो। तो इनका इनका हृदय कैसा होता है आपका, दी कोष्ठी है, मतलब जैसे ये आपका हृदय है तो इसमें दो चैम्बर होंगे, एक आलिंद होगा एक क्या होगा आपका नीले। अपना कैसा है चतुष्कोष्ठी है, दो आलिंद और दो नीले होते। ठीक है, अब देखो इन मछलियों में कुछ विशेष अंग पाए जाएंगे, जैसे टॉरपीडो है मछली का एक प्रकार है, कोंड्रियोक्थीज यानी उपास्थिन मछलियों में एक होता है आपके टॉरपीडो, नाम सुना होगा। टॉरपीडो में क्या पाए जाते हैं, विद्युत अंग पाए जाते हैं, टॉरपीडो मतलब इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मछली। कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है, ऐसी दिखेगी है। ठीक है, तो ये जैसे कोई दूसरा जंतु इसके पास आया और क्या करेगी आपके उस लाइट डालेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा वो जंतु बच जाएगा वहां से, मतलब शत्रुओं से बचाने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, कुछ विशेष अंग पाए जाते हैं। जैसे टॉरपीडो है इसमें क्या पाए जाएंगे, मछली का प्रकार है विद्युत अंग पाए जाएंगे, मतलब लाइट करंट छोड़ेगी, विद्युत अंग पाए जाएंगे सच में से नहीं, अपने जैसे लाइट का करंट आता वैसे नहीं आता, जैसे अपने पानी की एक धारा गिरती है, जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर से जब पानी गिरता था वैसे लगता ना झटका सा, वैसी होती है, ऐसे नहीं कि करंट आ रहा है पूरे समुद्र में करंट ही करंट मिलेगा, ऐसा नहीं होता, वो शत्रु भाग जाएगा उससे। ठीक है, ट्राइगोन होती है एक मछली और होती है ट्राइगोन, इसमें क्या होते हैं विष दांत होते हैं, विष दांत क्या करेंगे, जैसे कोई एनिमल इसके खाने आएगा या इसको परेशान करेगा तो उसके दांत चुरा देगा, जैसे सांप में होते हैं ना विष दांत, वैसे इसमें क्या होंगे विष दांत होंगे। तो ये आपके उपास्थिन मछलियों में, मछलियों में कुछ अनुकूलन है, नर और मादा अलग होंगे, नर व मादा अलग अलग होंगे, नर व मादा क्या होंगे आपके अलग अलग होंगे। अब देखो नर में क्लेश्वर पाए जाएंगे, मतलब नर में क्लेश्वर, क्लेश्वर का मतलब है ऐसी संरचना होगी पत्ते की जैसी संरचना होगी नर में, जिसमें मादा आके आपकी अटैच हो सकती है, जुड़ सकती है, तो नर में क्लेश्वर पाए जाते हैं। ठीक है, निषेचन कैसा होगा आपका, आंतरिक होगा, मतलब निषेचन का होगा शरीर के अंदर होगा, और परिवर्धन कैसा होता है आपका प्रत्यक्ष होता है, क्यों, क्योंकि ये कैसे होते हैं जरायुज,
जरायुज, जरायुज का मतलब होता बच्चे देने वाले, बच्चे देने वाले ये अंडे नहीं देते। एक होता है इसको विविपेरस भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है विविपेरस, मतलब ऐसे जीव जो क्या देते हैं सीधे ही बच्चे देते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके विविपेरस। अरे वो उजाला उजाला सब कहाँ गए आज, छुट्टियों में गए क्या? ठीक है, तो अब इसके उदाहरण देखते हैं, किसके? कोंड्रियोक्थीज मछलियों के उदाहरण देखते हैं। ये तो इनके मुख्य मुख्य करेक्टर थे, अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दे रखा है आपके स्कोलियोडोन, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके स्कोलियोडोन, इसको बोलते हैं डॉगफिश, कुत्ता मछली। इसको डॉगफिश क्यों बोलते हैं? हम लोग जब ट्वेल्थ में थे तब काटते थे, डॉगफिश हमारे सिलेबस में थी। ठीक है, ऐसे इतनी बड़ी सी होती है और उसका मुंह आगे से ऐसा लगता है जैसे कुत्ता हो, इसलिए इसको डॉगफिश बोलते हैं। जैसे मछली होती है वैसे ही होती थी, इसका आगे का मुंह कुत्ते की तरह नजर आता था, इसको डॉगफिश बोलते हैं। प्रोटियस, इसको बोलते हैं आरामिंग, दूसरा एग्जाम्पल है प्रोटियस, इसको बोलते हैं आरा मछली या आरामिंग, मीन का मतलब मछली होता ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका मुंह होता है ना ऊपर वाला, ऐसे ऐसे जैसे आरी होती है ना अपनी, अपन तो जानते हैं आरी को, वैसे 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 लगे होते हैं ऐसे ऐसे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, आरामीन बोलते हैं। ऐसे लगता है जैसे रेती होली हो वैसी हो। ठीक है, इसके अलावा ट्राइगोन, जिसको वेयर सार्क बोलते हैं, ट्राइगोन वेयर सार्क, सार्क मछली देखी होगी, वेयर शार्क सबसे समुद्र में सबसे खतरनाक मछली होती है, शार्क समुद्र में सबसे खतरनाक मछली कौन सी होती है आपके, शार्क मछली। तो अपन ने देखा जो ऑस्टियोक्थीज के जीव होते हैं वो कैसे होंगे आपके, इनका कंकाल किसका पाया जाएगा, उपास्थि का पाया जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल गया है, इनका कंकाल किसका होगा, उपास्थि होगा। ठीक है, इसके अलावा नर और मादा अलग अलग होंगे, बच्चे देने वाले होंगे। इसके अलावा इनमें क्लेश पर्स, जो नर होता है उसमें क्लेश पर्स पाए जाएंगे। इसके अलावा इनमें कुछ विशेष अंग पाएंगे जाएंगे, जैसे टॉर्पिडो है, टॉर्पिडो में विद्युत अंग पाए जाते हैं, ट्राइगोन में विषदंत पाए जाते हैं। और ये क्या है, इसके उदाहरण है। ये कौन सी मछलियां आपकी, उपास्थिल मछलियां, मतलब इनका कंकाल किसका होता है, उपास्थिल का बना होता है। अब देखेंगे अपन ऑस्टियोथीज, ये कोंड्रियोथीज का मतलब अब अस्थिल मछलियां देखेंगे। काफी बड़ी होती है शार्क, शार्क अलग अलग बड़ी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है कितने की होती है, देखी होगी आप लोगों ने शार्क टीवी में देखी होगी, मैंने तो रियल में देखी, इतनी बड़ी चीज निकल के आती है, वो शिक सबसे तगड़ा शिकारी जो जंतु है ना समुद्र में, वो शार्क होती है। अगर किसी पर अटैक कर दिया ना तो उसको फिर छोड़ती नहीं है, पूरा करके छोड़ती है शार्क। अगला देखते हैं अपन ऑस्टियोक्थीज, अगला वर्ग कौन सा आपका, ऑस्टियोक्थीज, ऑस्टियोथीज, इनको बोलते हैं अस्थिल मछलियां, मतलब इनका शरीर किससे बना होता है, हड्डियों से बना होता है, अस्थिल मछलियां। इनका शरीर किससे मिलके बना होगा आपके, अस्थियों से मिलके बना। अब देखो जो अस्थिल मछलियां होगी तो जो ऑस्टियोथीज है वो किस प्रकार की है, अस्थियों, मतलब इनका अंतःकंकाल किसका होगा, अस्थियों का होगा। ठीक है, लवणीय जल में भी उपस्थित होगी और अलवणीय, दोनों प्रकार के जल में पाई जाएगी, लवणीय जल, लवणीय व अलवणीय जल, लवणीय व अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है, दोनों प्रकार के जल में, मतलब जहां ज्यादा लवण है वहां भी उपस्थित होगी, नहीं है वहां भी उपस्थित होगी। ठीक है, मुख अग्र सिरे की तरफ होगा, देखो मुख कहां होगा, जो आगे वाला सिरा होगा अग्र सिरे पर होगा, जैसे ये है तो मुख कहां होगा आपका, यहां पे होगा, अग्र सिरे के पास पे होगा। उनका कहाँ था, यहाँ था आपका, यहाँ
पास होगा, ठीक है। चार जोड़ी क्लोन छिद्र पाए जाएंगे जो क्या करेंगे, श्वसन में सहायता करेंगे। चार जोड़ी क्लोन छिद्र पाए जाएंगे अब आपको पता है क्लोन क्या करते हैं, श्वसन में सहायक होते हैं, तो चार जोड़ी छिद्र पाए जाएंगे। अब देखो जो मछलियां होती हैं उनमें जो सल्क होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, टीनोइड, प्लेकोइड, स्केओइड। तो आपको सल्कों के नाम ध्यान रखना है क्योंकि सल्क से संबंधित क्वेश्चन आता है, नीट में भी आता है और यहाँ भी आता है। तो जो ये आपकी अस्थिर मछलियां हैं इनमें कौन कौन से सल्क होंगे, साइकोइड टीनोइड दो पाए जाते हैं। सल्क कौन कौन से होंगे, सल्क मतलब कांटे, सल्क कौन कौन से होंगे, टीनोइड टाइप के होंगे और क्या होंगे, साइक्लोइड टाइप के होंगे। देखो ये सल्क जब आप बड़ी क्लास में जाओगे या फिर से नीट की तैयारी करोगे तब देखेंगे कि टीनोइड और साइक्लोइड का क्या मतलब होता है। अभी आप इतना सा ध्यान रखो जो उपास अस्थिर मछलियां होती है उनमें टीनोइड और साइक्लोइड क्या पाए जाते हैं, आपके सल्क पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वायुकोश उपस्थित होंगे, क्या उपस्थित होंगे, वायुकोश। उनमें एब्सेंट थे, इनमें क्या होते हैं, आपके वायुकोश उपस्थित होंगे। तो वायुकोश उपस्थित होंगे जिसकी वजह से इनको लगातार तैरना नहीं पड़ेगा। अब अपन ने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में उत्प्लावन का नियम, आर्किमिडीज का उत्प्लावन का नियम। उत्प्लावन के नियम का तात्पर्य जैसे आप किसी वस्तु को पानी में डुबो रहे हो तो वो जैसे जैसे डूबती है पानी को क्या करती है, आपकी हटाती है और पानी उसके ऊपर प्रेशर लगाता है। तो वैसे ही वायुकोश क्या करते हैं, इसमें उत्प्लावकता पैदा करते हैं, उत्प्लावकता वही आर्किमिडीज उत्प्लावकता उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से क्या होगी, ये डूबेगी। इनमें वायुकोश पाए जाएंगे और वायुकोश की वजह से उत्प्लावकता बनी रहेगी और ये मछलियां आसानी से डूबेगी। वो तो क्या करती बेचारी, लगातार चल रही थी, अगर नहीं चलती तो वो डूब जाती। इनमें उत्प्लावकता पाया जाता तो इनमें धीरे धीरे क्या होगा, जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलन उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब देखते हैं और क्या लक्षण होते हैं, हृदय कैसा होगा आपका, द्विगोष्ठी होगा, मतलब एक कालीन और एक नीले क्या होंगे, आपके उपस्थित होंगे। हृदय कैसा होगा आपका, द्विगोष्ठी, हृदय द्विगोष्ठी, आलिंद और नीले उपस्थित। अब देखो एक शब्द आएगा असमतापी होती है, असमतापी होते हैं। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपने शरीर का तापमान क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो अपन कैसे जंतु है, समतापी, कैसे जंतु है, समतापी। समतापी का मतलब होता है उनके जीवों, वो जीव जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार परिवर्तित नहीं होता वो तो कहलाएंगे समतापी, जैसे अपना 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। असमतापी का मतलब होता है जैसे बाहर का तापमान बढ़ गया तो इनका तापमान बढ़ जाएगा, बाहर का घट गया तो इनका तापमान घट जाएगा। इसलिए ये कैसे जंतु है, असमतापी। आप लोगों ने देखा होगा जो गर्मी होती है तब सांप वगैरह बाहर आ जाते क्योंकि पृथ्वी के अंदर का तापमान भी बढ़ जाता है, ठीक है। सर्दियों में वो गायब हो गए क्योंकि बाहर तापमान कम था, वो जमीन के अंदर चले गए, वहां गर्माहट होती। तो समतापी का मतलब है तापमान समान रहेगा, आइसोथर्मिक बोलते हैं, और इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब ऐसे जंतु जिनका शरीर का तापमान वातावरण के साथ साथ क्या होता है, आपका परिवर्तित होता रहता है। तो ये कहलाएंगे आपके असमतापी जंतु। अगला लक्षण देखते हैं, नर व मादा अलग अलग, नर व मादा अलग अलग, परिवर्तन प्रत्यक्ष, लार्वा नहीं होगा, परिवर्तन
उपस्थित होगी, परिवर्तन प्रत्यक्ष होगा। अब इसके उदाहरण है आपके एक्सोस्पिस, इसके उदाहरण दे दो। एक्सोसिटस, सिटस, इसको उड़न मछली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश, उड़न मछली। ये हल्का सा उड़ती है, ऐसे नहीं पक्षियों की तरह उड़ने लग जाएगी, हल्का सा क्या करती है, उड़ती है, इसको उड़न फिश बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जीव होता है, हिप्पोकैम्पस। हाँ, हिप्पोकैम्पस, इसको बोलते हैं समुद्री घोड़ा, इसको समुद्री घोड़ा इसलिए बोलते हैं, रियल में तो ये मछली है, और ये क्या करता है, इसका जो मुंह होता है ना, उसको देख के ऐसे लगता है ऐसे घोड़े की तरह ऐसे होता है ये जीव। ये तो इसका मुंह, ठीक है, फिर ये इसका शरीर, ये इसका शरीर ऐसे होता ही है, ऐसा होता ही है समुद्री घोड़ा, ठीक है। मैंने पूरा चित्र नहीं बनाया, आप लोग बुक में देखना, ऐसा होता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, ये बच्चे जो नर होता है ना, वो बच्चों को एक थैली के अंदर रखता है, इसके अंदर एक थैली पाई जाती है, जिसको शिशु थैली कहते हैं, थैली, इसको शिशु थैली कहेंगे। आज आप गूगल देखना, उस पर देखना, हिप्पोकैम्पस निकाल के देखना, तो ये शिशु थैली होती है ना, इसमें जो इसके बच्चे होंगे वो नर लेके घूमता है, नहीं ना कि मादा लेके घूमती, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है, पेरेंटल केयर पाया जाता है, मतलब जैसे अपना छोटा बच्चा होता है, आप लोग छोटे थे आपके मम्मी पापा केयर करते थे, ठीक है, मम्मी ज्यादा करती थी, पर यहाँ क्या है, पापा केयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें थैली पाई जाती है, शिशु थैली, और वो बच्चे तब तक रहते हैं जब तक वो थोड़े मेच्योर नहीं हो जाए, फिर इसकी थैली से बाहर निकल जाते हैं और अपना जैसे ये वर्क करते हैं वैसे अपना खाना पीना चलता रहता है। तो ये आपका समुद्री घोड़ा, ठीक है। एक है आपका पेट्रोपसम, पेट्रोप, क्या नाम है इसका, पेट्रोपसम, इसको बोलते हैं एंगल्स मछली, एंगल्स मछली, इसके अलावा कटला है, नाम सुना होगा कटला, रोहू, मृगल, कटला मछली होती है, ये क्या करती है, शायद मच्छर के लार, रोहू खाती है मच्छर के लार, कतला, कोमन कार्प, टैंक में पड़ा था ना, तो ये कतला मछली भी शायद इसको पाला जाता है, ये सब मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, एकदम से याद नहीं आ रहा मुझे। रोहू होती है जो करती है मच्छर के लार को, तो रोहू खाती है, रोहू कतला दोनों खाती है, पता नहीं रोहू अकेली खाती है। तो ये थी आपकी कौन सी क्लास, ऑस्टियो थी, ठीक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास पढ़ेंगे एम्फीबिया, बड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि एम्फीबिया जंतु ऐसे जंतु होंगे जो जमीन पे भी रहेंगे और पानी पे भी रहेंगे। मेंढक देखा होगा, अभी बहुत घूम रहे मेंढक, घूम रहे ना अभी मेंढक, हमारे तो घर में रोज एक दो मेंढक मिल ही जाते, बेचारे रोड पे कट के मर जाते, रोड पे खूब पड़े हुए मिलते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे एम्फीबिया। अगला वर्ग कौन सा आपका, एम्फीबिया, डॉक्टर बनने के लिए ज्यादातर मेंढकों का उपयोग किया जाता है। हाँ, एम्फीबिया, देखो पहले जब मेरे पापा वगैरह जब इस नाइन्थ में आते थे तब मेंढक कटवाते थे नाइन्थ क्लास में, ठीक है। हम जब नाइन्थ में आए तो हमारे टाइम इलेवंथ में, जैसे आप लोग इलेवंथ में सब्जेक्ट लेते हो, हम भी इलेवंथ में लेते थे, पहले नाइन्थ में सब्जेक्ट ले जाते थे। तो उनको क्या किया जाता था, वो आस पड़ोस से कहीं से मेंढक इकट्ठे कर करके लाते थे, फिर एक सॉल्यूशन सा होता था उसमें रखते थे, जिसको फार्मलिन का सॉल्यूशन बोलते हैं, और पहले मेंढक भी कटवाते थे। अब तो क्या किया गवर्नमेंट ने, डिसेक्शन पे बैन लगा दिया, अब आप डिसेक्शन नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे जीव नष्ट हो जाएंगे, दुनिया भर के बायोलॉजी के स्टूडेंट ऐसे मारते रहोगे तो एक दिन खत्म कर दोगे सबको, ठीक है। इसीलिए अब डिसेक्शन आपका दुर्भाग्य कह सकते हो, अब एक भी एनिमल को आपको खोल के नहीं बताया जाता। हम कॉकरोच काटते थे, केचुआ काटते थे, कुत्ता मछली काटते थे, पायला जो संग होता है ना मंदिर वाला बड्डा वाला, उसके अंदर जो जीव होता बड़ा सारा, उसको काटते थे, सी अर्चिन को काटते थे, और स्पॉटिंग तो बहुत सारी स्पॉटिंग होती थी आपके, तो प्रैक्टिकली 30 नंबर का हमारे 50 नंबर का प्रैक्टिकल, बहुत
बॉटनी की फाइल अलग बनती थी, जूलॉजी की फाइल अलग बनती थी, इसके अलावा क्या बोलते हैं बॉटनी में अलग सात सात फैमिलियाँ पढ़ते थे, क्रूसीफेरी, ब्रैसिकेसी, मालवेसी, अब आपके तो तीन चार फैमिलियों में पूरा काम सटा दिए हैं। ठीक है, तो धीरे 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 आपके सिलेबस को तो करते जा रहे हैं कम, प्रैक्टिकल नॉलेज हो रहा है खत्म। प्रैक्टिकल देखो साइंस का मतलब ही क्या होता है, आपने प्रैक्टिकली करके प्रूफ किया है, तो साइंस में प्रैक्टिकल नॉलेज तो खत्म हो गया आजकल। कैसा बचा, बस थ्योरी में जो लिखा वो पढ़ लो, इसलिए बच्चों का नॉलेज फिक्स नहीं होता। जब आप किसी चीज़ को लाइव देखते हो तो क्या हो जाती है आपकी, फिक्स हो जाती है भाई, आपने एक तो देखा है किसी जद्दे से शेर को, एक तो देखा है और एक शेर के बारे में सुना है, तो सुनने से ज़्यादा आपको देखने वाला याद रहता, तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो खत्म ही होता। अब देखते हैं एम्फीबिया, एम्फी का मतलब होता है बहुत, एम्फी का मतलब होता है बहुत, बहुत यानी दो जगह, मतलब ये जल में भी रहेंगे और कहाँ रहेंगे स्थल पे भी। तो ये जंतु ऐसे होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। तो एम्फीबिया में उन जंतुओं को सब, भाई आप मेंढक दिमाग में रखो, आपको पता है मेंढक पानी में भी रहता है और जमीन पे भी आसानी से घूम लेता है। इसके अलावा जो एम्फीबिया के जंतु होंगे उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में श्वसन अंग होते, त्वचा से श्वसन कर लेंगे, फेफड़ों से कर लेंगे, ठीक है, इसके अलावा क्लोम भी पाए जाते हैं, मतलब ये तीन चार तरीके से क्या करते हैं आपके श्वसन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एम्फी का मतलब होता है ऐसे जंतु जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं, ठीक है। अधिकांश में दो जोड़ी पैर होंगे, ज्यादातर एम्फीबिया में क्या होंगे दो जोड़ी पैर उपस्थित होंगे, अधिकांश में दो जोड़ी पैर होंगे। क्या पाए जाएंगे दो जोड़ी पैर उपस्थित, देखा होगा मेंढक को, मेंढक के दो आगे और दो पीछे, तो दो जोड़ी पैर उपस्थित। और जो शरीर होगा मेंढक में गर्दन नहीं होती, शरीर किस किस में बंटा होगा, शरीर सिर व धड़ में, सिर पाया जाएगा और धड़ पाया जाएगा, इनमें क्या होती है आपकी गर्दन का भाव होगा, सिर और धड़ में क्या होगा शरीर बटा रहता है, ठीक है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती, कुछ जंतु ऐसे होंगे जिनमें पूंछ उपस्थित होगी, कुछ में क्या होगी पूंछ उपस्थित होगी, कुछ जंतु ही ऐसे हैं जिनमें क्या होगी आपकी पूंछ उपस्थित होगी, ठीक है। इसके अलावा इनकी त्वचा, मेंढक को कभी गलती से हाथ लगाया होगा गीला गीला लगता है, तो त्वचा कैसी होती है नम होती है, गीली रहती है, क्योंकि इनको श्वसन करना है, त्वचा क्या रहती है आपकी नम रहती है, क्योंकि ये त्वचा से भी क्या करते हैं आपके श्वसन करते हैं। नेत्र पर पलक पाए जाते हैं, अपने जो पलके हैं इनके नेत्र पर भी क्या होती है पलक पाई जाती है, नेत्र पर पलक पाई जाती है, पलके उपस्थित होगी, नेत्र पर क्या होगा आपके पलक उपस्थित होगी। और देखते हैं एम्फीबिया में क्या होंगे, जो कर्ण होता है उसकी जगह क्या पाया जाता है पर्दा, जिसको बोलते हैं कर्ण पटल, तो कर्ण की जगह क्या पाया जाएगा कर्ण पटल, मतलब डायरेक्ट पर्दे से सुनते हैं कर्ण के स्थान पर कर्ण पटल पाया जाता है। आपके तो सिर्फ एक ये दे रखा है एम्फीबिया, जब हम पढ़ते थे ना तो एम्फीबिया के आगे वर्ग है एन्यूरा, यूरोकोडेटा, सॉरी यूरोकोडेटा एन्यूरा एक है आपका, मुझे एक ही याद आ रहा है एन्यूरा, जैसे इसमें मेंढक आ रहे हैं, इसमें आपके सेलामेंडर आ रहे हैं, तो इसका भी आगे वर्गीकरण था, आपके तो बहुत छोटा कर दिया सिलेबस, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा इनमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखना, क्लोइका, इनमें क्या पाई जाती है आपकी क्लोइका पाई जाती है। क्लोइका वो संरचना होती है जिसमें आपके दो तीन छिद्र एक जगह आके कॉमन छिद्र होता है, ठीक है। तो क्लोइका देखो, क्लोइका, क्लोइका में क्या होगा मूत्राशय, आहार नाद, आहार नाद और जनन छिद्र,
जनन छिद्र, ये तीनों एक जगह आके खुलेंगे। अपने क्या होता है, या उच्च कोटि के जो जंतु होते हैं उनमें क्या होगा, मूत्राशय का अलग हो गया, आहार नाल कहाँ आके खुलती है आपकी, आमाशय वगैरह, ठीक है, और जो जनन छिद्र होते हैं वो जनन मार्ग से खुलेंगे। तो इन क्लोइका में क्या होंगे, ये तीनों छिद्र इसमें खुलते हैं, तो ये कॉमन मास हो गया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो जो एम्फीबिया होता है उसमें क्लोइका पाई जाती है, क्लोइका एक कॉमन छिद्र होता है जिसमें मूत्राशय, आहार नाल, जनन छिद्र, इनसे जो जो निकलेगा ना वो इसी में आके खुल जाएगा। यह है आपकी क्लोइका। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और नोट करने वाला पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट और नोट करने वाला पॉइंट क्या कह रहा है, इनमें श्वसन क्लोम से हो जाएगा। अवस्कर भी बोलते हैं इसको, अवस्कर भी बोलते हैं, दोनों नाम है इसकी, इसको अवस्कर भी बोलते हैं। क्लोम, त्वचा और है इनमें शायद फुफ्फुस यानी फेफड़े, फुफ्फुस बोलते हैं फेफड़े, तो क्लोम त्वचा फेफड़ों से श्वसन करते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही ऐसे जंतु हैं जो तीनों से श्वसन कर सकते हैं। अपन किससे करेंगे, फेफड़ों से कर लेंगे, कोई जंतु त्वचा से करेगा, ये क्लोम से भी कर सकते हैं। जब ये लार्वा अवस्था में होंगे तो इनके लार्वा किससे करेंगे, क्लोम से, जब ये धरती पे रहेंगे तो किससे करेंगे, फेफड़ों से, और जब ये पानी में रहेंगे तो त्वचा से भी श्वसन कर लेंगे, और पृथ्वी पे भी इनकी त्वचा नम होती है तो वहां से भी क्या करते हैं आपके श्वसन। तो ये एक ऐसा वर्ग है जिसमें सबसे ज्यादा श्वसन अंग पाए जाते हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। निषेचन कैसे होता है आपका, हाँ हृदय कैसा होता, तीन कोष्ठीय, हृदय कैसे होगा, त्रिकोष्ठीय, तीन कोष्ठ पाए जाएंगे, दो आलिंग और कोष्ठीय, दो आलिंग और एक निलिंग, दो तो होंगे आपके आलिंद और एक क्या होगा आपका निलिंग, तो इनका हृदय होता है आपका त्रिकोष्ठीय, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। निषेचन बाह्य होता है, ये निषेचन कहाँ करेंगे, आपके बाहर करेंगे, लार्वा अवस्था पाई जाएगी। निषेचन कैसा होगा आपका, बाह्य होगा मतलब जल में करेंगे, और लार्वा क्या कहलाता है, इनका लार्वा कहलाता है टैडपोल लार्वा, लार्वा को क्या बोलेंगे, टैडपोल लार्वा, इनका जो लार्वा होता है